Champat Rai Bansal was the Joint Zonal Organizing Secretary of the VHP at the time of the Babri Masjid demolition. Accused in the CBI charge sheet, Champat Rai admits to the reporter that he was present during the demolition of Babri Masjid. किसी तरीके मिलकर तय किया था कल ऐसा करेंगे जी। मैंने इतना कह दिया था कि ये योजना आपकी सफल नहीं है। क्यों क्यों नहीं होगी? ये लाखों लोग आपकी कोई बात नहीं है, किसी के नियंत्रण में नहीं है। क्यों? कोई किसी का नेता नहीं, भीड़ में सब वही आते हैं जिन्हें तुम बुलाते हो। भीड़ का मतलब ही है भीड़। In an attempt to defend himself, Champat Rai unwittingly reveals that there was indeed a meeting held to discuss the subject of the demolition. In his words, "Sabne milkar tay kiya tha ki kal aisa karenge. Maine itna keh diya tha ki ye yojana aapki safal nahi hogi." However, he says he is happy that the mythological Ravan has been put to sleep. He says, "Mujhe dukh nahi, mujhe prasanta hai. Ravan mara, samaj prasann hua ki nahi? आज तक प्रसन्नता व्यक्त करता है कि नहीं?" अडवाणी जी ने अभी कहा कि हमें दुख है। देखो, हर एक को अधिकार है, मुझे दुख नहीं, मुझे प्रसन्नता। रावण मरा, समाज प्रसन्न हुआ कि नहीं? आज तक प्रसन्नता व्यक्त करता है कि नहीं? लेकिन रावण को प्रसन्नता व्यक्त करने वाले समाज ने मारा कि एक राम ने मारा? राम ने मारा कि विभीषण ने मारा? राम ने मारा। विभीषण की भूमिका नहीं है, है। विभीषण अगर ना होता तो राम मारता नहीं। इसलिए हमें प्रसन्नता है कि वो समाप्त हो गया, हमें प्रसन्नता है कि रावण मर गया। हम हर साल खुशी व्यक्त करते हैं लेकिन हमने नहीं मारा। मैं समझता हूँ विश्व हिंदू परिषद ने या जो भी लोग वहां उस दिन मौजूद थे, उन्होंने उस दिन या उससे पहले उसके तोड़ने की कोई योजना नहीं बनाई, लेकिन वो वहां से हटे, ये हम सब चाहते। लेकिन जिस ढंग से हटा वो योजना किसी की नहीं, हट गया वो किसी की बात, दुख किसी बात का नहीं। हम तो पहले जब नया मंदिर बिना हटे कैसे बनता, बिना हटे नया मंदिर कैसे बनता? लोग नष्ट हो जाएं, इस शेर को कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।